जाती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी आ जाती है, ऑर्गेनिक भी आ जाती है, इनऑर्गेनिक में आ जाती है। सर ऑर्गेनिक में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर भी फाइनल एग्जाम में जाके दिक्कत हो जाती है, सर इनऑर्गेनिक तो इतनी बुरी लगती है जिसकी वो हद नहीं है, सर फिजिकल में टाइम ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज इन्हीं चीज़ों को डील करेंगे केमिस्ट्री वन शॉट रिविजन बेसिस टू स्कोर मैक्सिमम विद आरजे। And before that, I want to introduce myself Rishabh Jain, and I am pursuing MBBS pre-final year from Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Delhi. Currently, I am the Vice President of Bima Delhi, and I was the Indira Awardee back in 2016, and I am mentoring NEET students like you since 4.5 years, and I am an academy educator also. So, बच्चे आज बहुत important चीज़ है यार ये कि सर कौन सी चीज़ ऐसी प्रायोरिटी में करें अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर सर अभी हम रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर सर अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहते हैं। सो मैंने, अब तुम देख पा रहे होंगे, तीन पार्ट्स में इस चीज़ को डिवाइड किया है बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री प्रायोरिटी वाइज जैसे प्रायोरिटी लिस्ट हम डिस्कस करते हैं, टॉप टू बॉटम क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए, पहले कौन सा चैप्टर करना है, लास्ट में कौन सा चैप्टर करना है। उसके बाद यार मैंने सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखी है, थर्ड नंबर पे इनऑर्गेनिक रखी है। इसी ऑर्डर में तुम्हें चलना है और प्रायोरिटी वाइज कैसे चलना है वो बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पे बेटा सबसे पहले निपटाना है एटम एंड न्यूक्लियाई। एक से दो क्वेश्चन हमेशा से फिक्स हैं और हमेशा ही रहेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 11th में पढ़ते हो, बहुत डिटेल में पढ़ते हो, दैट इज़ वाई यहाँ पर तुम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत डिफाइंड कॉन्सेप्ट पे होगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा, क्योंकि 11th का चैप्टर है, वो भी इनिशियल चैप्टर है। उसके बाद बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा एक्सटेंसिव चैप्टर है, बट 11th में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड वो तुम्हारे आंसर करेक्ट करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग डायपोल मूवमेंट्स तुम बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह पढ़ते हो। उसके बाद यार मैंने रखा है सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। वहाँ पर तुम अगर NCERT के एग्जाम्पल करते हो या फिर कोई भी बुक सॉल्व करते हो, दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि सॉल्यूशन के क्वेश्चंस इतने अटपटे नहीं फ्रेम होते, NCERT लेवल से कभी ऊपर नहीं गए। इक्का दुक्की बार थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा अप्लाई करा दिए, क्वेश्चन लेंथी बन सकता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बना मतलब उसका आंसर बनाने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा सॉल्यूशन का, तुम्हारे सामने पता होगा तुम्हें सब कुछ कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद यार मैंने रखा थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आयनिक के अंदर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट एक बार टाइम इन्वेस्ट कर दोगे बच्चों तो आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं जाएगी, फिर लास्ट में जाके तुम्हें इक्विवेलेंट के क्वेश्चन ही या उसके इक्विवेलेंट के फॉर्मूले ही रिवाइज करने होते हैं कि इक्विवेलेंट कैसे निकालना है और कैसे इसकी वैल्यू इक्वेट करनी है, ठीक है। लास्ट में रखा है बच्चों मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, गैल्वेनिक सेल्स एंड ऑल सेल्स का तुम्हें जब पोटेंशियल निकालना होता है तो, और वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी चला जाता है। सेकंडली जब तुम उसके आंसर पे पहुंचते हो ना बच्चों, तो कभी कभार माइनस प्लस की दिक्कत की वजह से आंसर गलत हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी प्रायोरिटी वाइज भी अगर तुम ऐसे देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और तुम्हारे सही करने की टेंडेंसी कहाँ ज़्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए जब भी तुम रिवीजन कर रहे हो, या फिर जब भी तुम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, फिर लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये बात हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने का एक ही तरीका है बच्चों, कोई भी बुक उठाओ, वहाँ से 20 से 25 तरह के क्वेश्चन कर लो, या जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं एक एक दो दो क्वेश्चन हर किसी के कर लो, सारे तुम्हारे हाथ से एक बार निकल जाएंगे, तुम्हें क्रक्स पता लग जाएगा कि कहाँ पर वैल्यू आके रुकती है, कहाँ पे क्वेश्चन आके फंसता है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है इन दी फिजिकल केमिस्ट्री। ये होता है क्रक्स, ये होती है चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें। अब बात करते हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो प्रायोरिटी वाइज हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने रखा है हेलो एल्केन को। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ या बच्चों को समझाता हूँ, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ यार कि तुम्हें जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा 12th की NCERT पे फोकस रह के करनी है। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हो, क्योंकि 12th की जो केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेजर नेम रिएक्शंस पे चलती है, वहाँ पर थोड़े बहुत प्रोडक्ट में वेरिएशन करते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। अगर तुम NCERT को बेस मान के चलोगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो हेलो एल्केन मैंने फर्स्ट उस पर रखा है, बिल्कुल इसको प्रायोरिटी में ही करना है जैसे NCERT में दिया हुआ है 12th की
एलोएल्केन फर्स्ट पे करना है, देन एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर करना है, फिर एल्डिहाइड वाला पूरा चैप्टर करना है तुम लोगों को, देन लास्ट में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे हमारे पास थे। फिर उसके बाद बेटा एक बोनस चीज है इन दी केमिस्ट्री, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स। बेटा ये तीन है बोनस चैप्टर, चार क्वेश्चन आएंगे तीनों को मिला के, ठीक है, चार से पांच भी आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बोनस क्यों है, एक बार पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में तुम्हें मार्क करना है हाईलाइटर से या फिर, हाँ तो यार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमें करना क्या है कि हमें बस एक सिंपल से पिन पेपर पे या फिर उस पर्टिकुलर बुक में ही हमें हाईलाइट करके रख लेना है बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर की जो भी टेबल्स हैं, जितने भी उनके कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो हमें वन शॉट रिवीजन करना है उसका, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दो पेज के अंदर ही ये चार से तीन चैप्टर तुम्हें चार से पांच क्वेश्चंस सही अवॉइड करके जा सकते हैं। फिर उसको मैंने रखा हाइड्रोकार्बन एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बाहर से पूछे जाते हैं, एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। फिर बारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के भी डालूंगा, जिसके अंदर मैं तुम्हें बहुत इफेक्टिव एंड बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का। बट अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रायोरिटी वाइज तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें करना है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टीडियस चैप्टर है, तो तुम्हें पहले से ही उसमें अपना टाइम डिवोट करके चलना है। उसके बाद आता है डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक। इन दो चैप्टर्स के अंदर अगर तुम देखो तो मैं इसके पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हें बताऊंगा किस तरह से तुम्हें इसे डील करना है। क्योंकि देखो जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन आते हैं वो तुम बहुत अच्छी तरह कर लेते हो, बट व्हेनेवर जब भी क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होता है कि डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर से एंड तुमसे लाइन से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, तो एट दैट टाइम यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज एंड यू आर वेरी वेरी मेस्ड अप कि उस सिचुएशन में तुम्हें किस तरह से उस सही आंसर तक पहुंचना है। तो उसका एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, देन डी एंड एफ ब्लॉक आएगा, फिर पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक आएगा, और लास्ट में रिडॉक्स रिएक्शन आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता। सो ये थी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्डर वाइज तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर में किस तरह से रिवाइज करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यार एक मैंने बहुत अच्छी चीज तुम्हारे लिए डाली है, क्योंकि तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि मेहनत से तकदीर लिखना सीख ले बंदे, यूँ तो किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। यानी वो हर चीज़ डेस्टिनी पे छोड़ना, हर चीज़ अपने जज्बातों पे छोड़ना, हर चीज़ लाइफ पे छोड़ना, ये चीज़ बिल्कुल भूल जाओ। जब तक मेहनत करते रहोगे तब तक अचीव करोगे, कोई और तुम्हें थाली में सजा के कुछ नहीं देने वाला। जब तक व्हेनेवर यू आर डूइंग हार्ड वर्क, व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, जब तक तुम कुछ अचीव करोगे, एंड मेडिकल फील्ड के अंदर इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड यू हैव टू डू एज मच हार्ड वर्क एज पॉसिबल टू अचीव ग्रेट हाइट्स। सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक, एंड केमिस्ट्री में कैसे हमें करना था वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। गुड बाय। सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस।